सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी रुचिका पाठ्य पुस्तक से पाठ चार शब्द और वाक्य पाठ पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, शब्द शब्द जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वर्ड्स, और वाक्य जिसे हम लोग कहते हैं सेंटेंस। तो आइए बच्चों, हम शुरुआत करते हैं। हम अपने पुस्तक में देखते हैं कि बड़ा सा चित्र बना है जिसमें बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं, जिसके अलग अलग नाम हैं, अलग अलग शब्द हैं। हमें यहाँ पर दिख रहा है सूरज, चिड़िया, पेड़, रथ, सड़क, नदी, फूल। बच्चों, यहाँ पे और भी बहुत सारे चित्र हैं जिनका नाम नहीं बताया गया है, जैसे बादल, पहाड़, तितली, नदी, घोड़ा। इस प्रकार बच्चों, सबके अपने अलग अलग कोई नाम होते हैं। इस प्रकार हम ये जानेंगे कि वर्णों की मदद से हम शब्द बना सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना होगा कि शब्द वही होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ होता है, कोई ना कोई मतलब होता है। वर्णों के सही मेल को ही शब्द कहते हैं। इसी प्रकार बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं वाक्य। जिस प्रकार बच्चों हम वर्णों की मदद से शब्द बना सकते हैं, उसी प्रकार हम शब्दों की मदद से वाक्य बना सकते हैं। जिस प्रकार हम लोगों ने जाना कि वर्णों के जोड़ने पर जिसका सही अर्थ निकलता है वही शब्द होते हैं, उसी प्रकार शब्दों को जोड़ने पर जिसका कोई सही अर्थ निकलता हो, जिस वाक्य का सही अर्थ निकलता हो, वही वाक्य कहलाते हैं। वर्णों की मदद से हम शब्द बना सकते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान में रखना होगा कि शब्द वही होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। वर्णों के सही मेल से ही शब्द बनता है। उसी प्रकार वाक्य में भी हम जानेंगे कि वाक्यों को बनाने के लिए शब्दों को जोड़ना है और उसका सही अर्थ निकले वही वाक्य है। जिस तरह वर्णों के सही मेल से शब्द बनता है, उसी तरह शब्दों के सही मेल से वाक्य बनता है। आइए बच्चों, हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू, थोड़ा उदाहरण के थ्रू समझेंगे कि कैसे। स्कूल जा रही है गीता, यहाँ पर सही शब्द सही है, लेकिन स्कूल जा रही है गीता, सही शब्द यहाँ सही है, लेकिन शब्दों को सही क्रम में नहीं लिखा गया है। अर्थात जहाँ पर जिस शब्द का उपयोग होना चाहिए, जहाँ पर जिस शब्द का जगह होना चाहिए, उस क्रम में यह नहीं लिखा गया है, इसीलिए यह वाक्य गलत है। इसे हम सही कैसे लिखेंगे? गीता स्कूल जा रही है। यह हो गया बच्चों सही क्रम में, एक सही अर्थ निकल रहा है इसका। हमने शब्दों को सही जगह पर रखकर लिखा, अब यह सार्थक अर्थ वाला यानी सही वाक्य बना है। हम ऐसे ही सार्थक अर्थ वाले वाक्यों का प्रयोग आपस की बातचीत में करते हैं और इन्हीं वाक्यों से भाषा भी बनती है। अर्थात जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, जो ध्वनि हमारे मुख से निकलती है, उनके सही शब्द जो होते हैं वह सही क्रम में सजे होते हैं और उसका एक सही अर्थ निकलता है, वह वाक्य कहलाता है। तो बच्चों, आज हमने अभी पढ़ा वाक्य और शब्द कैसे बनते हैं। मुझे लगता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि वाक्य और शब्द कैसे बनते हैं।